Now in the next place page, we will write today's date. Now, our wonderful world. In this picture, there are some living things and some non-living things. Mark L for living things and N for non-living things in the box next of them. Yes, first of all, I will explain you what is living thing and what is non-living thing. लिविंग थिंग किसको बोलते हैं, जो चल सकता है, जो सांस लेता है, जो खाता है, उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, जो जहाँ है वहीं पे पड़ा रहता है, जिसके अंदर सांस नहीं होती है, जिसको खाने की ज़रूरत नहीं है. अभी लिविंग थिंग्स कौन है, विच आर द लिविंग थिंग्स, ट्रीज, human beings, animals, birds, fish, वो सब living things है. non-living things किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर आप लोग घर पे हो तो bed है, sofa set है, teapot है, TV है, वो सारी जो है non-living things है. उसको खाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो चल फिर नहीं सकते, कुछ भी नहीं, वो वहीं का वहीं पड़े रहते हैं, वो सब है नॉन लिविंग थिंग्स. अभी जैसे कि आप देखते हैं, पेड़ है, ट्रीज है, ट्रीज़ को भी हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, मगर वो वहीं का वहीं रहता है, तो हम सोचते हैं कि ये भी नॉन लिविंग थिंग है. ऐसा नहीं है, ट्रीज़ जो है उसको भी हवा चाहिए, फिर खाना भी चाहिए उसको, जैसे कि सन से उसको खाना मिलता है, उसको पानी भी चाहिए, तो हमें भी हवा चाहिए, खाना चाहिए और वाटर भी चाहिए. एनिमल्स को भी ऐसा ही होता है कि एनिमल्स को भी हम खाना देते हैं, उसको भी हवा चाहिए, उसको भी घूमने फिरते हैं, तो वो सब लिविंग थिंग्स हैं. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम क्या करना है कि लिविंग थिंग्स को एल लिखना है और नॉन लिविंग थिंग्स को एन लिखना है. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या है, यहाँ पे बॉक्स की दिए है, इसमें हमें लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स लिखना है. अभी ट्री है, तो ट्री क्या है, व्हाट इज़ अ ट्री, ट्री इज़ अ लिविंग थिंग, तो हमें उसको एल लिखना है. नेक्स्ट ये रॉड जैसा है जिसके ऊपर लड़की झूल रही है, ये